अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपको सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज। और आज जा रही हूँ मैं शारजा एक्सपो सेंटर, वहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी सी बिग शॉपर्स समथिंग करके कुछ चल रहा है, और वहाँ पे मैं जा रही हूँ कुछ शूज़ देखने के लिए, स्केचर्स के ख़ास तौर पर। सो लेट्स सी कैसा है। आपको अपने साथी के जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज एवरीवन। वेल, इट रिमाइंड्स मी ऑफ CBBC जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में होता है। सो काफ़ी कुछ वैसा है, लेकिन आई थिंक सो मोर वेराइटी, काफ़ी वराइटी है यहाँ पे। और अब हम आ गए हैं जूतों की तरफ, एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम स्केचर्स। और आपको दिखाती हूँ कि क्या है यहाँ पे स्केचर्स के रेट्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, पलेडियम या पलाडियम जो भी एक्सेंट है, दीज आर फॉर 50 dirhams। यहाँ पे 50 dirhams के हैं। ये आ गया 50 dirhams, ये देखिए 50 dirhams, ये पूरा 50 dirhams, 50 dirhams, 50 dirhams। बल्कि इसके और मेरे जो अभी करंटली जो मैंने अभी फ़िलहाल शूज़ पहने हैं, हम दोनों का सेम कलर है। दिस इज केस विस 55 dirhams, ओरिजिनल प्राइस 390, एंड जस्ट लुक एट इट, मेमोरी फॉर्म के साथ। ये आ गए हम स्केचर्स की तरफ। स्केचेस जो हैं वो 85 के दे रहे हैं, 260 for 85। दिस वन, या ये जैसे कि ये हैं, ये 55 के हैं स्केचेस, 95 dirhams के। तो यानी कि स्केचेस में आपको काफ़ी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, और प्राइसेस इनकी डिफरेंट हैं। एडिडास के 60 for 129, ये पूरी लाइन 129 की है। चल, एनी आइटम 2 dirhams, और वेल आई डोंट प्रेफर ये वाली जो मेकअप होता है, पर अगर आपको कुछ और चीज़ें लेनी है, हेयर क्लिप्स हो गए, मास्क को लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो येस वाई नॉट, यू कैन कम हियर एंड गेट इट। 20 dirham की चीज़ें, बच्चों के कपड़े सारे आप ये देख रहे हैं, 20 फ्रॉम 20 बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली 20। I found these nail polish, eyebrows के लिए, ये देखिए 5 dirham का पाउच, एंड देन दे हैव लिपस्टिक्स देयर। हर साल इसी दौरान एक्सपो शारजा यही फेस्टिवल रखता है लाजम, और या इट वॉज नाइस, बट हम लोग वो छुट्टियों के दौरान आए हैं, तो काफ़ी रश था। ये होता ना कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो यू गेट अ लिटिल बिट ओवरवेल्ड, क्या चूज़ करें नहीं समझ में आता। अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं, इसके बाद कहीं अगर और कहीं जाना है तो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। चलते चलते हम पहुँच गए हैं टिकटॉक में। एक दफ़ा का जिक्र है कि यहाँ पे इस जाय की जगह की बहुत चर्चा हुई थी, इसको कहते हैं कुट टी कैफे। UAE के लोगों, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, डोंट मिस दिस चाय। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर के लिए नहीं आई थी, वी जस्ट केम हियर, कि हम लोग शारजा एक्सपो सेंटर में थे और फिर हम यहाँ आए थे, और हमने कुटी टी के बारे में वैसे ही टिकटॉक में काफ़ी सुना था। हाईली रिकमेंडेड, इट्स 3 dirhams की ये चाय है, और ये देखें इसके अंदर फ्लावर्स हैं, एंड बेहतरीन यार, वेरी गुड। और इनका ये देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अ सिप ऑफ मोहब्बत। सुनिए मलयालम में क्या लिखा है, कुटी कैफे। अच्छा, मलयालम में कुटी कैफे ही लिखा हुआ है, ओके। आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस चाय, सो आई कुडंट रेजिस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट टी कि मैं अंदर जाके और मजीद कुछ देखूं। तो मैं आपको अपने साथ ही चलती हूँ, दिस इज कम्प्लीटली अनप्लान, और इट इज कम्प्लीट, हाई बेबी, इट इज कम्प्लीटली अनप्लान, इट्स जस्ट समथिंग कि मेरा दिल है कि मैं अंदर जाके देखूँ, सो आई एम गोइंग टू टेक यू एज वेल। ये है कुट्टी टी कैफे, कुट्टी कैफे। लेट्स गो इनसाइड,
And this is the man who has the magical hands. Tell me about this tea. How come you came up with this tea? Ah, that's a long story short. I was a mixture, like a mixologist or barman, I would say that. I left my industry and joined Emirates Airline. Yes. Then I took over my dad's shop. Right. Dad's cafe. Okay. So it was very difficult for me at the beginning to mix this tea because it's the blend, it costs more than one dirham. Like, you know, people sell one dirham, so yeah. We sell it for 3 dirham. Yes. Now people only come for tea. So it took for me maybe 6 months. Mashallah. And it's been 5 years, the journey, and the journey is on. And it's amazing. And it will be maybe on top of the world, inshallah. So inshallah. And may Allah give you lots and lots of success. Genuinely, I think so. I might be coming maybe once in a week for this, all the way from Ajman. Thank you so much. Something that everyone should try. Thank you so much. And this is not just like, I'm just saying like that. I'm sure you know that. Thank you. When, you know, when people come and tell me this from the heart, that is what makes me keep going. Actually, there was many times, like, you know, being a chai wala from an industry, from an airline, is not easy. Oh. So there was few times I was about to give up. And the customers like you, they came back and they came and told me you have to reopen after Corona. Oh, okay. They came to my place, my house also, they came to reopen the tea. Awesome. I had a days I reopened the shop just for one tea also. Mashallah. Because the people wanted to have some of my close customers. Yes. They was wanted to come and have the tea. I will reopen the shop and made for them. That's amazing. In Corona time we all closed. I know. So I'm a person, I'm a tea addict, so I give the tea the way I drink, so that's why I put the message behind this one, like, everyone can make chai, but blending chai with passion by adding a sip of mohabbat makes us different from others. I'm sure, and you are different from everyone else. Thank you so much for that. It's like, you know, the people, when you people come here, seriously, I'm not talking just because of the video, I'm telling from my heart. Thank you so much. If you look into the tea, it's completely a tea bowl. I know. This is a sweet corner right there? Yeah. One of the best. Yeah. It's very nice. I always come here. You always come here? Yeah. You're from where? I'm from Gambia. Gambia. So yeah. You like the tea here? Definitely. Definitely. Yeah, it's my favorite salt. It is your favorite. Definitely. I'm paying many salt. I mean, it was more. Yeah. Wow. Nice, very quiet. So did you try tea before? Hey, come on, I only tried. Since I tried, I have never tasted it. No way. Oh, okay. So you're the like proper loyal admirer of this place. It's made me, when I go back to my country, I will remember for this. Oh my God, thank you so much. That's so sweet of you. Always. Coming from someone who's not exactly a desi, is completely from a side where Kadak tea is not that famous there. Yeah. I'm pretty sure that milk tea is something that you don't drink there. But for you coming from that place and then drinking it, I'm pretty sure. Thank you so much. Thank you. Now look at this, everyone. Yellow color always brings positivity, full of energy, and I think so. This is something. लाजिम आप सबको यहाँ पे आना चाहिए. मेरे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे इंडिया के लोग हों, जहाँ के भी लोग हों, ये चाय कभी भी बिल्कुल भी मिस ना करें कभी. बाय बाय कुट्टी टी, बाय कुट्टी कैफे, बाय बाय, आई कम बैक अगेन. तो जैसे मुल्ला की दौड़ होती है मस्जिद तक, दुबई यूएई में जो रहने वाले लोग हैं उनकी दौड़ होती है मॉल्स तक. और हम आए हुए हैं दुबई सिटी सेंटर. आज 2 दिसंबर है और यहाँ सिटी सेंटर में जितने भी हैं यूएई में वहाँ पे सेल लगी हुई है. इट्स नॉट दैट कि मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ, बट थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने आई हूँ और एक दो चीज़ें और मज़ीद लेनी है, वो देखने आए हैं और शायद खरीद भी लें अगर अच्छी लगी तो. तो फिलहाल कुट्टी टी के बाद हम लोग आए हैं जनाब यहाँ पे सिटी सेंटर दुबई डेरा. ये देख लें कितना रश है. छुट्टी है, थर्सडे है और लॉन्ग वीकेंड है. सो ऑल्दो आई एम मुस्लिम, लेकिन मुझे क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं और अच्छा लगता है. मे बी शायद वो एक स्नो और फिर उसके ऊपर डेकोरेशन और फिर प्यारी सी रोशनी और ये मतलब बहुत अच्छा एक फील लेकर आता है. Cute.
वापस और हो गया। कार्ड फोर से कुछ खास नहीं लिया था, जो लेना था वो मिला नहीं और जो मिल रहा था वो कुछ खास नहीं था। और अभी बज गए हैं रात के 12 और अब टाइम हो चुका है पूरा फ्रेशन अप होने का और सो जाने का। और ये कि अभी भी मेरे दिमाग से वो चाय जो कुटी टी है कैफे, कुटी कैफे जो है वहाँ से जो चाय पी है वो अभी भी उसका सुरूर मेरे जहन से ख़त्म नहीं हुआ, मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, अभी आई वाज थिंकिंग कि मे भी बाद में फिर से पी लें, लेकिन नहीं, वो जो एक मज़े की जो टी का एक मज़ा होता है वो फ़िलहाल अभी मैं उसको रिटेन रखूँगी और बाद में थोड़ा एक हफ्ते बाद फिर से वहाँ जाऊँगी क्योंकि इट्स क्वाइट फार अवे फ्रॉम अजमान। और बहुत 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 अच्छा लगा कि ऐसी कोई चाय कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई, मीठी, गुड़ का मुझे ना उसमें लज्जत आ रही थी, चीनी के बजाय गुड़ की लज्जत आ रही थी। ऐसी चाय जो आपको एनर्जाइज भी बाद में कर लें बहुत कम होती हैं, और ऐसी चाय जो आपके यू नो बैक ऑफ द टंग में उसका आपका जो वो टेस्ट है वो रहे, ये वो वाली चाय थी। तो या मैं अभी भी उसी के सरूर में हूँ। तो चलिए ये था मेरा आज का वीलॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।